नमस्कार दोस्तों, केआर मार्केट गुरुकुल के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वीडियोस आपके लिए यहां पे पोस्ट कर रहे हैं, बंच ऑफ वीडियोस आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, ओके। और जब कभी कोई स्टॉक्स हमें कुछ अहम लेवल्स पे, अहम डिसीजन पॉइंट्स पे दिखते हैं, तो हम लोग आपको जरूर इन्फॉर्म करते हैं वो स्टॉक्स, ओके। सो आज भी मैं आपके लिए 3 स्टॉक्स लेके आया हूँ जो मुझे मेरे हिसाब से काफी अच्छे डिसीजन पॉइंट्स पर फिलहाल लग रहे हैं। अकॉर्डिंगली इन डिसीजन पॉइंट्स को यदि आप भी आपके ट्रेडिंग के लिहाज से यूटिलाइज करते हैं तो आपको, मतलब कि मैं कहूंगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी ग्रैब हो सकता है। और आपका जो नॉलेज है इन लेवल्स को यदि आप प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो आपका नॉलेज भी बढ़ने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक्चुअल स्टॉक से डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो चार्ट है ये टाटा स्टील का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं चार्ट को दिखा रहा हूं आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने टाटा स्टील क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि टाटा स्टील को ये जो जोन था, ये जोन काफी उसका तगड़ा सपोर्ट जोन था। यहाँ पे टाटा स्टील ने सपोर्ट लिया है, मैं वो जोन को ड्रॉ करके आपको बोलता हूँ। एक जो ये जोन है लगभग मैं कहूँ 500 का जो जोन था, उसको 500 से लेके 490 तक का ये जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन था। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो इलेक्शन डे को ही ये जोन को उसने प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया है और यहां से ही उसने यू टर्न लिया है, ओके। तो ये जोन काफी अहम जोन था टाटा स्टील के अंदर। अब मैं इसकी यदि बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसको दिख रहा है, जो लेवल है 522 का। तो 522 के लेवल के ऊपर यदि ये अच्छे से क्लोजिंग बेसिस जाता है तो मुझे इसके अंदर जो टारगेट नजर आ रहा है वो है 550 से लेके 540 तक का, मुझे इसके अंदर टारगेट नजर आ रहा है। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस काफी स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा, तो वो स्टॉप लॉस के साथ यदि आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो आपको एक 20 से 25 पॉइंट की रैली इसके अंदर मिल सकती है, ओके। लेकिन ये डिसीजन पॉइंट्स जो है इनको आप प्रॉपरली पहले यूटिलाइज करना सीखिए, अकॉर्डिंगली उसको रिएक्ट करना भी सीखिए, सो दैट आपको ट्रेडिंग लिहाज से काफी इसकी हेल्प होगी। और आप जो भी ट्रेड लेंगे उसमें जो रिस्क रहेगा वो रिस्क माइन्यूट रहेगा, निग्लिजिबल रिस्क रहेगा। और जो रिवार्ड रहेगा वो रिवार्ड काफी हाई रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि इसके अंदर जो रिवार्ड है वो रिवार्ड 1:3, 1:4 तक आपको मिल सकता है यदि आप प्रॉपरली डिसीजन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हो, उनको एनालाइज करते हो और अकॉर्डिंगली उनको रिएक्ट करते हो, ओके। तो टाटा स्टील में मैंने जैसे बताया सपोर्ट से उठा है स्टॉक, काफी अच्छा सपोर्ट था वहां पे, वो लेवल्स को, वो डिसीजन पॉइंट्स को उसने रिस्पेक्ट किया है, वहां से ही ऊपर वो गया है। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते होंगे कि खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को हम लोग डिसीजन पॉइंट्स कह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज मतलब कि ये आपका बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है। जो लेवल्स हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअल डिसीजन पॉइंट्स है, ना कि सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। यदि आपको और बहुत ज्यादा लेवल्स को जानना है, देखना है और सीखना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट वहां पे भी आपको काफी उसकी हेल्प मिल सकती है, ओके। दोस्तों जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है सिप्ला का स्टॉक। सिप्ला का स्टॉक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये भी एक काफी अच्छे सपोर्ट जोन पे था, ओके। इसका ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है अभी इसको फिलहाल, ओके। और इसकी मैं यदि बात करूं तो ये अभी यहां से तो निकल चुका है और इसके अंदर मुझे जो लेवल दिख रहा है वो है 550 का लेवल। तो 545 से लेके 550 के लेवल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं जो भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, ओके। फिलहाल वो वहां तक जा सकता है, लेकिन अभी उसको एक बार यहाँ पे यदि वो क्लोजिंग ये जोन के ऊपर दे देगा, मतलब कि 535 के ऊपर दे देगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके ट्रेडिंग के लिहाज से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिल सकती है। दोस्तों जैसे कि इसको जो ये यदि 550 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर इसको ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल है वो लगभग 560 के लेवल तक
आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको मतलब यहां से भी आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्टर टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से भी लेना चाहते हो तो 560 का लेवल भी इसके अंदर जल्द से जल्द मुझे हमें देखने को मिल सकता है। तो आप ये जो डिसीजन पॉइंट्स मैंने ये सिप्ला में ड्रॉ किए हैं इनको अच्छे से आप भी आपके चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कीजिए और अकॉर्डिंगली जैसे कि हमें जो एक्शन लेना है वो इन डिसीजन पॉइंट्स पे कैसे रिएक्ट करता है सिप्ला अकॉर्डिंगली हमें वैसा ही डिसीजन हमारे ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है फिर। ओके दोस्तों जो मेरा तीसरा स्टॉक है वो यूपीएल का स्टॉक है। यूपीएल का स्टॉक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि काफी दिनों से एक रेंज के अंदर ये स्टॉक लॉक था, काफी अच्छी अपसाइड रैली इसने दी है तो यहाँ पे वो उसने लेवल्स को क्लोजिंग कर लिया है। तो मुझे ऐसे लगता है यदि अभी यूपीएल की मैं बात करूं तो मुझे यूपीएल के अंदर एक लगभग 40 पॉइंट की रैली यहां से नजर आती है। ये जो 790 का लेवल था इसके लिए काफी अहम था, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में वो सक्सेस हुआ है। सो मुझे यहां से 830 से लेके 825 तक की एक जो जोन है वो जोन तक मुझे यूपीएल जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके सो आपको भी यदि इसके अंदर ट्रेडिंग करना है तो आप इन डिसीजन पॉइंट्स के नजदीक आपकी एंट्री लेवल्स और एग्जिट लेवल्स मार्क करके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ओके दोस्तों सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।